दरभंगा शहर के जीएम रोड ट्रिपल हत्याकांड में बीती रात पुलिस को वो सफलता मिली जिसकी तलाश घटना के बाद से ही चल रही थी। इस कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार राजनीतिक और सामाजिक दलों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा था, लेकिन शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक पत्रकारों के सामने आए तो मुख्य अपराधी शिव कुमार झा और इसी मामले में गिरफ्तार एक और व्यक्ति को भी सामने लाया गया। काले कपड़े से इन अभियुक्तों के चेहरे को ढका गया था, लेकिन इन सब के बीच जो चौंकाने वाली बात थी वो यह कि संगीन मामले में गिरफ्तार अपराधी के हाथ में कोई हथकड़ी नहीं दिखी। हालांकि हम ज्यादा कानूनी प्रावधान में नहीं जाना चाहते हैं, देखिए एसएसपी साहब ने इस मामले को लेकर आगे और क्या जानकारी दी है। दरभंगा का चर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हुई है, क्या है सर पूरी? देखिए 10 तारीख की घटना है, ये जीएम रोड जो घटना घटी थी, निक्की झा के की बहन और भाई जिनकी मृत्यु हो गई पीएमसीएच में इलाज के क्रम में, उसमें एक नामजद अभियुक्त और 40 अज्ञात थे। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की बीती रात्रि गिरफ्तारी मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास गांव बाजार है, वहां पे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों की टीम कई दिनों से वहां पे कैंप कर रही थी और इनके लोकेशंस पे काम कर रही थी। ये जब से घटना घटी थी उसके बाद से ही अगले दिन से नेपाल चले गए थे और नेपाल में विभिन्न जगहों पे इनका भ्रमण रहता था, लेकिन ये बीच बीच में सीमावर्ती चूँकि इनका घर भी रहा है इसलिए इनका आना जाना रहता था। और उसी चीज़ का हम लोगों ने लोकेशन का इनका ट्रेस किया और अंततः कल हम लोगों को सफलता मिली और इनकी गिरफ्तारी हुई। साथ में कल दरभंगा से भी उस कांड में एक और जो अज्ञात अपराधकर्मी हैं तिरुपति राय मदारपुर का रहने वाला लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी कल दरभंगा से हुई है। तो इसमें कुल अज्ञात में से 9 की गिरफ्तारी हो गई है और एक नामजद जो मुख्य अभियुक्त थे शिव कुमार झा उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा जो पूछताछ हुई है बीती रात्रि इनसे और सुबह तक उसमें कुछ अहम जानकारी पुलिस को मिली है और कुछ और नाम सब आए हैं जो पहले हम लोगों ने भी सीसीटीवी से निकाला था, उसमें भी पहचान करवाया है और जो नाम आई है वो अनुसंधान का विषय है और उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर शिव कुमार राय जो पुलिस से गिरफ्त में आए हैं, क्या उन्होंने इस घटना में अपनी सारी संलिप्तता को स्वीकार किया है? देखिए मैंने आपको बताया नामजद ही अभियुक्त है तो ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया है? जो पूछताछ के दौरान जो बताया गया है वो सारा अनुसंधान का विषय है और अभी पूछताछ चल भी रहा है, ये अनुसंधान का हिस्सा है, इसलिए जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और जो नाम पहले से कुछ नाम नहीं पते चल रहे थे उनका भी सत्यापन कर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। आज कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी दो लोग यहाँ पे हैं। अभी तक टोटल 9 की गिरफ्तारी हो गई जो अज्ञात में थे और एक नामजद अभियुक्त, टोटल 10 गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। बाकी जो 30 बचे हुए हैं सर उसका गिरफ्तारी कब तक होगा? देखिए वो अज्ञात 40 बताया गया है, वो संख्या कोई गिनती करके 40 नहीं बताया गया है, वो अज्ञात है और जो नाम हम लोग को पूछताछ से जितने पता चलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे होगी। हाँ वो तो पुलिस का है कि अनुसंधान पूरा करके बाकी जो कुछ बचे हुए हैं अज्ञात नाम जो आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करना और उसके बाद जो स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग इसे ले जाएंगे। क्या सर भू माफिया स्तर पर भी भू माफिया से संबंधित एक सूची का संकलन कर रहे हैं, सभी थाना प्रभारी को इससे निर्देश दिए गए हैं और सोमवार को इस संबंध में हम लोगों ने बैठक भी रखा है, पूरे जिला के सभी थाना प्रभारी सभी लोग रहेंगे और उस दिन संबंधित सूची हम लोग सबसे लिए मांगे हैं और उस सूची के आधार पर उस प्रकार के लोग जिनसे समाज में इस प्रकार का भय है उनके खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। सर अज्ञात क्या और कब तक पकड़ने के चांस है? जल्दी ही पकड़े जाएंगे, प्रक्रिया है चल रहा है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गिरफ्तारी हो रही है, जल्दी ही गिरफ्तारी हो जाएगी। से कोई हथियार कोई सामान भी बरामद हुआ है? नहीं नहीं इनके पास कोई सामान नहीं था। एक्चुअली देखिए ये लोग करते क्या थे कि इनके परिजन इस तरफ रहते थे और ये लोग आते थे, ये उसी गांव बाजार में ही आके वेट कर रहे थे अपने रिश्तेदार के लिए और जैसे ही हम लोगों को इनके रिश्तेदार के संबंध में जानकारी मिली और ये उस लोकेशन पे पहुंचे तो इनकी गिरफ्तारी। काफ़ी ये जो आरोपी हैं इनकी तलाश पुलिस कर रही थी, गिरफ्त में आ गया है, तो क्या इसका पहले से भी कोई इतिहास ऐसा रहा है जो? नहीं अभी तक तो कोई इस प्रकार का आपराधिक इतिहास यहाँ जिला के रिकॉर्ड में तो नहीं है, हम लोग अन्य जगह से पता करने का प्रयास कर रहे हैं।